नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम औपचारिक पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैं आज एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ और बात करने जा रही हूँ पत्र लेखन का ही एक प्रकार जिसे हिंदी विज्ञापन कहा जाता है और विभिन्न कार्यालयों में समय समय पर इस विज्ञापन का प्रयोग भी किया जाता है। वैसे अगर हम विज्ञापन की बात करें कि विज्ञापन होता क्या है, जब हमें अपने किसी वस्तु या अपनी किसी भी गुण को कह लीजिए, किसी भी टैलेंट को कह लीजिए, अपनी जब कोई कहने का क्या अर्थ है कि जब कोई भी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट का प्रयोग किया जाता है। और कार्यालयों में जैसे आप टीवी पर ऐड देखते हैं, कोई साबुन की है, कोई वॉशिंग पाउडर की है, कोई किसी प्रोडक्ट की है, तो क्या है वो सारी की सारी किस लिए, ताकि हम लोगों को उस विषय के या फिर उस वस्तु के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके, ज़्यादा लोगों को उस वस्तु से परिचित करवाया जाए, इसलिए विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय में ये विज्ञापन किस प्रकार से काम आते हैं, चलिए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देश, जैसा कि देश में बेरोजगारी की समस्या जो है वो क्या है, ज्वलंत समस्या है। ज्वलंत का क्या मतलब है कि बहुत अधिक जो है पूरे जोरों पर बेरोजगारी की समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है। समाचार पत्रों में सर्वाधिक विज्ञापन रोजगार से संबंधित होते हैं। रोजगार समाचार जैसे समाचार पत्र जो है सबसे अधिक बिकते भी हैं। ये विज्ञापन संस्था के प्रमुख द्वारा प्रकाशित कराए जाते हैं। मतलब जैसे कोई भी संस्था है, संस्था का क्या मतलब है, जैसे कोई कंपनी है तो उस कंपनी का जो हेड होगा, जो डायरेक्टर होगा, वो विज्ञापन प्रकाशित करवाता है, ना कि कर्मचारी उसके प्रकाशित करवाते हैं, ठीक है। विभिन्न कार्यालयों में रिक्ति संबंधी विज्ञापन होते हैं। जैसे कोई ऑफिस है, उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी कर्मचारी से संबंधित जो है पद खाली पड़ा है, तो ऐसे में जो है वो रोजगार से संबंधी विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, कि एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं, मांगे जाते हैं, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, पद के संबंध में संक्षिप्त विवरण होता है, पद का वेतनमान कि इस जो ये जो पोस्ट है इसमें सैलरी क्या होगी, इसके भत्ते क्या होंगे, और इस सैलरी को जो इस फॉर्म को भरने वाला व्यक्ति है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, कितनी उसकी आयु हो सकती है, आवेदन भेजने की अंतिम तिथि क्या होगी, ये सब बातें जो हैं वो किसमें बताई जाती हैं, विज्ञापन का जो प्रारूप होता है उसमें ये सारी बातें बताई जाती हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, उदाहरण से समझते हैं कि आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, राजकीय महिला महाविद्यालय रतिया में एक हिंदी प्रवक्ता की आवश्यकता है, ठीक है। यह पद मानदेय पर है, मतलब कि जितने आपके लेक्चर होंगे लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, मानदेय मिलेगा। वेतन रुपये 8,000 है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने मिल सकते हैं, 8,000 रुपये मिल सकते हैं। प्रार्थी को एमए हिंदी होने के साथ नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो कि जो प्रार्थी होगा जो एप्लीकेशन देगा या फिर जो इच्छुक या फिर जो इच्छुक आवेदन करता होगा
उसे क्या होगा, एमए हिंदी में होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी नेट की परीक्षा भी पास होनी चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो आवेदन कर सकता है। और आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन के 21 दिन के अंदर महाविद्यालय में अवश्य पहुंच जाना चाहिए। मतलब कि जिस दिन ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, मान लिया दिनांक 20/8/2020 को ये विज्ञापन जो है वो प्रकाशित हुआ है अखबार में, तो इसके 21 दिनों के पश्चात, ठीक है, इसके 21 दिनों के पश्चात जो है वो राजकीय महाविद्यालय रतिया के प्राचार्य के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए। इस दिनांक के पश्चात अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। तो सारी हिदायतें, सब प्रकार की बातें इसके अंदर बता दी गई हैं, और जो इच्छुक आवेदन करता है वो इन मान्यताओं को अगर पूरी करता है, इन मान्यताओं पर राजी है, तो वो क्या है, आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा हिंदी विज्ञापन के विषय में। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा व्याख्यान पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद।